गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों से टेलीग्राम पे एक पोल क्वेश्चन किया था। 92% वोटिंग हुई है कंटिन्यू करने के लिए और 8% लोगों ने इस सीरीज को बंद करने के लिए कहा है। तो भैया, ये जो 8% लोग हैं, इन सभी लोगों से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम इनके स्तर को मीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये लोग कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि इस तरह का डिस्कशन उन्हें पसंद नहीं आता हो, उनको MCQ फॉर्मेट में चाहिए हो, तो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट कीजिएगा तो उसको देखा जाएगा। बाकी 92% के हम बहुत बड़े आभारी हैं। ठीक है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 18 सितंबर की आज करंट अफेयर्स करने हैं हम लोगों को। खैर, एक दो दिन लेट हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं इसको कवर कर दूंगा। चलिए पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एशियाई कराकल। कराकल को देखें ना, एक जानवर है जो चीते की तरह दिखता है, लगभग चीते की तरह दिखता है, बट इनके कान बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एजाइल एनिमल है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है चीता की तरह, लेकिन ये अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है। इनको स्याह घोष के नाम से भी जाना जाता है, काले कान के भी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जो हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है IUCN द्वारा दी गई स्थिति। इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है, कम चिंतनीय कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो एशियाई चीता है, एशियाई चीता की स्थिति IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अति संकटग्रस्त है। अब तो इंडिया में भी आ गए 8 चीता, जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, मध्य प्रदेश के कान्हू नेशनल पार्क में रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनकी स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है, 4 जानवर के ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन लीस्ट कंसर्न है। कोडिंग में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर पूछा जाता है अक्सर। हेडक्वार्टर याद रखें ग्लैंड, ग्लैंड एक शहर का नाम है, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, स्वच्छता पखवाड़ा। 2022 का जो आयोजन है वो रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। जिस साल जो भी मंत्रालय इस पखवाड़े को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, उस मंत्रालय को उस साल का स्वच्छता मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है। तो 2022 में ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? रेल मंत्रालय। तो इस बार का जो स्वच्छता मंत्रालय है वो रेल मंत्रालय है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय याद रखना और एक टाइम याद रखना, 16 से 2 अक्टूबर के बीच में इसको मनाया जा रहा है। 2022 का स्वच्छता पखवाड़ा किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 को किसको दिया गया है? हिंदी दिवस समारोह पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर को। और ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस समारोह इस वर्ष कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आप सूरत याद रखें, दो फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए, 14 सितंबर और सूरत। ये किस संस्थान को मिला है ये देख लीजिए, NMDC, NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। NMDC को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। NMDC की एक पत्रिका छपती है, खनिज भारती, खनिज भारती के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, NMDC एक नवरत्न कंपनी है। अगर पूछा जाए कि अभी भारत में नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं, तो 13 लगा देना। महारत्न के बारे में भी पूछा जाता है, टोटल महारत्न कंपनियां एज ऑन 2022 तक की स्थिति क्या है? 11 कंपनियां ऐसी हैं जो महारत्न दर्जे की हैं। पहली महारत्न कंपनी NTPC है। ये जो 11 महारत्न कंपनी है इनको देख लीजिए, पहली है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, दूसरी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तीसरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चौथी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पाँचवीं है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवीं है कोल इंडिया लिमिटेड, आठवीं है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवीं है भारत पेट्रोलियम, दसवीं है पावर ग्रिड और ग्यारहवीं है पावर फाइनेंस। ये सबसे लेटेस्ट है, इनका नाम याद रखना। पावर से दो कंपनियां होंगी, एक पावर ग्रिड और दूसरी है पावर फाइनेंस। तो टोटल महारत्न कंपनी 11 देखा आपने, टोटल नवरत्न कंपनियां 13 देखा और टोटल मिनी रत्न कंपनियां जो हैं वो 73 हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये क्या है? EEF। यह फोरम उद्यमियों के लिए, कारोबार के विस्तार के लिए एक मंच है, एक फोरम है। और ये एक्टिव कहाँ पर रहता है? रशियन फार ईस्ट रीजन में, RFE इसको क्षेत्र बोला जाता है। रशियन फार ईस्ट का मतलब है रूस के जो सुदूर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, रसिया का जो ईस्टर्न वाला भाग देख रहे हैं ना, इस वाले क्षेत्र में ये वाला फोरम एक्टिव रहता है। इसी पूर्वी क्षेत्र में मेंबर कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं और संसाधनों का दोहन करती हैं।
अभी हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है, इस फोरम की मीटिंग हुई है, इसको होस्ट किया है रसिया ने। हो सकता है इसके बारे में प्रीलिम में ना पूछा जाए, पर मेंस में आईआर वाले सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, भारत भी एक बड़ा निवेशक इस क्षेत्र का है और चीन सबसे बड़ा निवेशक है। 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की रहती है इस क्षेत्र में। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये तो बहुत पुरानी योजना है, लेकिन यहाँ पे नया क्या अपडेट है, नया क्या डेवलपमेंट है, यहाँ पे देखिए। अब अगर कोई राज्य इस स्कीम को लागू कराने में डिले करता है तो उस राज्य को जुर्माना देना पड़ेगा, पनिशमेंट का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है, यही रिसेंट डेवलपमेंट है। जुर्माने के चलते हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जुर्माने का जो प्रोविज़न था वो अभी तक नहीं था। जुर्माना देना किसको है, राज्य सरकारों को। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि राज्यों में क्रियान्वयन को लेकर बहुत सुस्ती है। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, असम हुआ, इस योजना में ये सबसे पीछे हैं, लागू करने में ये चारों राज्य सबसे पीछे हैं। इस योजना का नाम दीदी ने क्या किया है, बांग्ला आवास योजना रख दिया। यानी आवास बनाने के लिए जो फंडिंग होती है वो तो इसी योजना के तहत होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन दीदी ने इसका नाम चेंज करा के वहाँ की जनता को ये शो कराना चाहा कि ये जो स्कीम है ये वेस्ट बंगाल की ही स्कीम है। ये बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तब इन्होंने फंडिंग को रोक दिया। तो इस तरह का काम अगर राज्यों का रहेगा तब तो वो सबसे पीछे रह ही जाएंगे ना। क्या ज़रूरत है नाम चेंज करने की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेट और अचीवमेंट है। टारगेट जो है वो 2.95 करोड़ आवास बनाने का है, 2.95, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.95 करोड़ आवास बनाने का टारगेट है, और अभी तक जो आवास बन चुके हैं वो 2.02 करोड़ बन चुके हैं। ये स्थिति कब तक की है, अगस्त 2022 तक की। चलिए, SCO समिट 2022, इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था लेकिन वन लाइनर में पढ़ा था, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। SCO समिट 2022 कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान में, समरकंद में। इससे मैंने आप लोगों से होमवर्क भी पूछा था और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया। इसी SCO मीटिंग में समरकंद डिक्लेरेशन के नाम से सिग्नेचर भी हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समरकंद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, किस संस्थान से संबंधित है, किस समिट से संबंधित है, और इसका सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है कि समरकंद डिक्लेरेशन किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो SCO लगा देना है। और इस डिक्लेरेशन में क्या बात हुई है, पीसफुल सेटलमेंट की बात हुई है। जो देशों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, इनको पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट करना, ये समरकंद डिक्लेरेशन का फोकस पॉइंट रहा है। इतना क्लियर है। 2023 की मीटिंग कौन कर रहा, इंडिया कर रहा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे SCO के बारे में। अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बेसिक सी बात है। 2001 में स्थापना हुई थी, लागू कब से हुआ, 2003 में, इनफोर्स 2003 से हुआ, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, 8 सदस्य हैं, सबसे लेटेस्ट मेंबर जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है। 2017 में इन्होंने SCO को ज्वाइन किया था, 8 मेंबर देखे। अब एक प्लस और होने वाला है, वो कौन है, ईरान। ईरान नया मेंबर बनने के लिए, परमानेंट मेंबर बनने के लिए तैयार हो गया है। 2023 से ईरान भी आप लोग पढ़ेंगे इसका सदस्य, 9 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ वनलाइनर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फिन सब दुनिया का पहला ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म, किस संस्था का कार्यक्रम है। इस पर एक पूरा आर्टिकल आया है, मैं उसको कल तैयार करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये किस संस्था से जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम से। हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर नैरोबी। कहाँ की कैपिटल है, केनिया की। चलिए दूसरा प्रश्न है, रोजर फेडरर वरिष्ठ टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक, तीसरा, ब्रेकफास्ट स्कीम का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया, तमिलनाडु द्वारा किया गया, तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया, प्राइमरी लेवल के लिए है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। ठीक, चौथा प्रश्न है, आंगन 2022 या फिर आंगन 2.0 कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुई है, यह कॉन्फ्रेंस किस संस्था के द्वारा आयोजित की गई है। BEE संस्था का नाम है, BEE का मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी। ठीक है, तो आज के वनलाइनर्स तो कम ही थे, 4 ही हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल।